योग एक लंबी आह भरते हुए कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, अब बताइए पुजारी जी, कैसे मुक्ति मिलेगी मेरे पापा को। कार्तिक पुजारी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, युग तुम्हारे पिता को तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली जब तक उस काले साए का अंत नहीं हो जाता है। युग हैरानी के साथ अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या? कार्तिक पुजारी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ युग, यही तरीका है तुम्हारे पिता को मुक्ति दिलाने का। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर युग जितना शॉक्ड हो गया था, बाकी सब भी उतने ही ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए थे। युग परेशान होते हुए कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है पुजारी जी, भला काले साए के अंत का मेरे पापा से मुक्ति दिलाने से क्या लेना देना, वो काला साया तो अब मेरे पापा के शरीर में से निकल चुका है। कार्तिक पुजारी युग को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, यही तो मुख्य कारण है युग कि उस काले साए ने अनुराग के शरीर में प्रवेश किया था, और जब भी कोई शैतानी ताकत किसी मृत शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उस शरीर की आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलती है जब तक उस शैतानी ताकत का अंत नहीं हो जाता जिसने उस शरीर में प्रवेश किया था, जो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि काला साया है। अभिमन्यु अनुराग के शव को बड़े गौर से देखते हुए बोल पड़ता है, शायद एक और कारण है जिसकी वजह से अनुराग अंकल को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। कायर कुछ डरते हुए कहता है, अब और क्या कारण है अभिमन्यु? अभिमन्यु कायर से पलट कर कहता है, जरा गौर से देख कायर, अनुराग अंकल का शरीर अधूरा है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, सब लोग एक बार फिर अनुराग के शव की तरफ देखने लग जाते हैं। कायर भी अनुराग के शव को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से देखने लग जाता है। कायर फट से बोल पड़ता है, कहाँ अधूरा है, पूरा तो है, अनुराग अंकल का शरीर मुझे तो कहीं से भी आधा अधूरा नहीं लग रहा है। अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, मैं वैसे अधूरे की बात नहीं कर रहा हूँ कायर, जरा अनुराग अंकल की आंखों की तरफ देख, अनुराग अंकल की आंखों की पुतलियां गायब हैं, और मुझे लगता है कि एक कारण ये भी हो सकता है उनके शव के ना जलने का। कोई अभिमन्यु से कुछ और सवाल करता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहते हैं, अभिमन्यु बिल्कुल सही कह रहा है, एक कारण ये भी है क्योंकि जब वो काला साया अनुराग के शरीर में घुसा था उस वक्त अनुराग के शरीर पर उसकी आंखें भी थी, और किसी को मुक्ति तभी दिलाई जाती है जब वो शव उसी तरह हो जब शैतानी ताकत ने उसके अंदर प्रवेश किया था। कायर तुरंत बोल पड़ता है, इसका मतलब हमें सिर्फ उस काले साए का अंत नहीं करना है बल्कि अनुराग अंकल की आंखें भी ढूंढनी होगी उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। पर अनुराग अंकल की आंखें हैं कहाँ? युग अपनी जेब में से कुछ निकालता है और अपनी मुट्ठी खोलते हुए कहता है, एक आंख तो मेरे पास ही है। युग के हाथ में कुछ और नहीं अनुराग की आंख थी जो उसे ग्रेवयार्ड कोठी में रूम नंबर 666 की छत पर लगी हुई मिली थी। कायर फिर बोल पड़ता है, मतलब अब हमें बस एक और आंख ढूंढनी है, पर वो दूसरी आंख कहाँ पर है? युग गुस्से के साथ कहता है, और कहाँ पर होगी, जरूर उस काले साए के पास ही होगी, वही मेरे पापा की दूसरी आंख पे ले गया होगा, वो चाहता ही नहीं होगा कि मेरे पापा को कभी मुक्ति मिले। युग की ये बात कहते ही वहाँ पर एकदम से खामोशी छा जाती है, पर वहाँ पर मौजूद सारे लोग इतना तो जरूर समझ गए थे कि इस वक्त वो अनुराग को मुक्ति तो बिल्कुल नहीं दिला सकते थे, क्योंकि ना ही उनके पास अनुराग की दूसरी आंख थी, ना ही इस वक्त वो भक्षानर के अंश का अंत कर सकते थे। वो भक्षानर का अंश जिसके बारे में इस वक्त उन्हें जरा सी भी खबर नहीं थी कि वो सप्तम चक्र तोड़ने के बाद कहां पर गया है। युग की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी क्योंकि इतनी शक्तियां होने के बाद भी वो अनुराग को मुक्ति नहीं दिला सकता था, और युग की आंखों की इस नमी को यामिनी ने अपने दिल की नजरों से पढ़ लिया था। यामिनी युग के कंधों पर हाथ रखते हुए धीरे से कहती है, आप चिंता मत कीजिए युग बाबू, हम एक दिन अनुराग अंकल को जरूर मुक्ति दिलाएंगे। युग खामोशी के साथ खड़ा रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। कार्तिक पुजारी अनुराग के शव को देखते हुए कहते हैं, हम अनुराग के शव को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें अनुराग के शव का कुछ करना होगा। कायर झट से पलट कर कहता है, पर हम क्या करेंगे पुजारी जी अनुराग अंकल के शव का? आपने देखा ना युग ने कितनी कोशिश की अनुराग अंकल के शव को जलाने की, पर उसमें जरा सी भी आग नहीं लगी। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, हम अनुराग के शरीर को जला नहीं सकते तो क्या हुआ, उसे दफना तो सकते हैं। जब तक हम अनुराग की दूसरी आंख ढूंढ नहीं लेते और उस काले साए का अंत नहीं कर देते, तब तक मुझे लगता है कि हमें अनुराग के शव को दफना देना चाहिए, यही करना उचित होगा। डायना बीच में बोल पड़ती है, पर हम अनुराग अंकल के शव को कहां पर दफनाएं? कार्तिक पुजारी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वहीं पर जहां शव को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान में, मेहंदी पठार में जो कब्रिस्तान है, हमें अनुराग के शव को वहीं पर दफना देना चाहिए। बिंदु कार्तिक पुजारी की इस बात से पूरी तरह सहमत होते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे भी यही करना ठीक लगता है, हमें अनुराग अंकल के शव को मेहंदी पठार वाले कब्रिस्तान में ही दफना देना चाहिए। युग तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने पापा के शव को वहां पर बिल्कुल भी नहीं दफनाऊंगा।
कोई कुछ कहता उससे पहले ही युग खुद ही बोल पड़ता है, मैं अपने पापा के शव को ग्रेवयार्ड कोठी के पास दफनाऊंगा। पापा ने अपना आधा जीवन वहीं पर बिताया है, तो मुझे लगता है कि उनके शव को हमें वहीं पर दफनाना चाहिए। युग की ये बात सुनते ही कार्तिक पुजारी कुछ गुस्से के साथ कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अनुराग के शव को वहां पर नहीं दफनाना चाहिए, ये कदापि उचित नहीं है। वो ग्रेवयार्ड कोठी अभी भी सुरक्षित नहीं है। जब मैं उसके अंदर गया था तो मैंने वहां पर काली शक्तियों की उपस्थिति को महसूस किया था। युग पलट कर कहता है, पर पुजारी जी, मेरे पापा की कई यादें जुड़ी हुई हैं ग्रेवयार्ड कोठी से, और मैं उनके शरीर को ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनके शरीर को बाहर ही दफना दूंगा ग्रेवयार्ड कोठी के पास। कार्तिक पुजारी युग को समझाने के लिए कुछ कहने ही वाले थे कि तभी युग फिर से बोल पड़ता है, पुजारी जी, अगर पापा आज जिंदा होते तो उनकी भी आज आखिरी इच्छा यही होती। मैं जीते जी तो पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो कम से कम मरने के बाद तो करने दीजिए। हो सकता है कि पापा की रूह को ग्रेवयार्ड कोठी के पास ही सुकून मिले, आखिर वहीं पर तो उनकी जान बसती थी। युग की भावपूर्ण बातें सुनकर कार्तिक पुजारी समझ गए थे कि वो युग को कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना करें, युग वही करने वाला था जो उसके मन को ठीक लगने वाला था। इसलिए वो उसे समझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है युग, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ, अब तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर कार्तिक पुजारी मायूसी के साथ वहां से चले जाते हैं। कार्तिक पुजारी के जाते ही अभिमन्यु युग से कहता है, युग तुझे पुजारी जी की बात मान लेनी चाहिए थी, वो कुछ जान समझकर ही अनुराग अंकल के शव को ग्रेवयार्ड कोठी के पास दफनाने से मना कर रहे होंगे। युग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, अभिमन्यु अब तू शुरू मत हो जाना प्लीज, तूने सुना नहीं पुजारी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे जो ठीक लगता है मैं कर सकता हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब तुझे मेरे साथ तक ग्रेवयार्ड कोठी नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही वहां पर जाकर पापा के शव को दफना दूंगा। अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। इतना कहकर युग खुद ही अपने पिता के शव को वहां से उठाने लग जाता है। उसी वक्त भागते हुए बल्लू काका भी युग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, रुकिए युग बेटा, आप अकेले ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको तो कई चोटें भी आई हैं, हम आपकी मदद करते हैं ना। इतना कहकर बल्लू काका भी अनुराग का शव उठाने में युग की मदद करने लग जाते हैं। देखते ही देखते चैटर्जी भी युग की मदद करने के लिए उसके पास चले जाता है। कायर ने भी युग की मदद करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी बिंदु इस बार भी उसका हाथ पकड़ लेती है, पर उसी वक्त कायर गुस्से के साथ बिंदु का हाथ झटक देता है और अनुराग का शव उठाने के लिए युग की मदद करने लग जाता है। युग, बल्लू काका, चैटर्जी और कायर मिलकर अनुराग के शव को चार कंधे देते हैं और उसे लेकर ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। अभिमन्यु भी बिना कुछ कहे युग के साथ चलने लग जाता है। ये देखकर युग के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए अभिमन्यु उसका साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। यामिनी, डायना और पलक भी उनके साथ ही जाने लग जाती है, बस बिंदु उनके पीछे नहीं जाती है, जैसे उसके मन में अभी भी किसी चीज का डर हो, इसलिए वो वापस कुटिया के अंदर चली जाती है, पुजारी, वर्चस्विनी और कछुए के पास। कुछ ही देर में वो सब अनुराग का शव लेकर ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। अनुराग का शव नीचे रखा हुआ था और बाकी सब उसके आसपास खड़े हुए थे। बल्लू काका कहते हैं, युग बेटा तुम यहीं पर रहो, मैं अंदर से कब्र खोदने के लिए फावड़ा लेकर आता हूँ। युग तुरंत बल्लू काका को मना करते हुए कहता है, नहीं बल्लू काका, आप रहने दीजिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आपका ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले जाना ठीक नहीं है। बल्लू काका कुछ कहते उससे पहले युग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर चले जाता है। युग के पीछे पीछे ही यामिनी भी अंदर चली जाती है, बाकी सब ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही खड़े रहते हैं। युग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, यामिनी तुम्हें क्या जरूरत थी अंदर आने की, मैं लेकर आ रहा था ना फावड़ा। यामिनी पलट कर कहती है, मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ युग बाबू, आप ही बताइए, और वैसे भी पुजारी जी ने कहा था कि उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी में कुछ महसूस हुआ था। युग पलट कर कुछ नहीं कहता है, अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। युग और यामिनी सीढ़ियों के पास अभी पहुंचे ही थे कि तभी युग की नजर हॉल में रखी किसी चीज पर पड़ती है और वो रुक जाता है। यामिनी तुरंत युग से पूछती है, क्या हुआ युग बाबू, आप रुक क्यों गए। युग अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, वो देखो यामिनी। युग ने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ काफी अंधेरा था, जिस कारण यामिनी को नजर ही नहीं आता है कि वहां पर क्या रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ युग ही उस चीज को अंधेरे में देख पा रहा था। युग तुरंत उस जगह पर जाता है, वहां अंधेरे में कुछ और नहीं बल्कि एक ताबूत रखा हुआ था। यामिनी उस ताबूत को देखते हुए कहती है, ये तो ताबूत है। युग पलट कर कहता है, हाँ यामिनी, और ये वही ताबूत है जिसके अंदर उस काले साए ने मेरे पिता का शव रखा हुआ था, मुझे लगता है कि हमें पापा का शव इसी के अंदर रख देना चाहिए। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, इसके अंदर पर क्यों युग बाबू।
युग यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, बस मेरा मन कहता है यामिनी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे सुरक्षित जगह कोई और हो सकती है पापा का शव रखने के लिए। तुमने देखा नहीं था इस ताबूत के अंदर कैसे पापा का शव सालों तक सही सलामत रह गया था? यामिनी झट से कहती है, हाँ युग बाबू, पर आप ये बात भी कैसे भूल सकते हैं कि इस ताबूत को उस काले साय ने अपनी काली शक्तियों और बॉटफ्लाई की मदद से बनाया था। मुझे नहीं लगता कि अनुराग अंकल के शव को यहाँ पर रखना ठीक होगा, युग कुछ चिढ़ते हुए कहता है। यामिनी, तुम कभी मेरी कोई बात मानती क्यों नहीं हो, हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों रहती हो? यामिनी कहती है, युग बाबू, क्योंकि आप बात ही हमेशा ऐसी करते हैं जो ठीक नहीं होती है। युग और यामिनी की इस बात पर इतनी लंबी बहस चल जाती है कि बाकी सब भी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आ जाते हैं। और जब युग उन्हें बताता है कि उसे अनुराग का शव ताबूत के अंदर रखना है, तो यामिनी की तरह बाकी सब भी युग को अनुराग का शव उस ताबूत में रखने के लिए मना करते हैं। पर युग किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, और आखिर में सबको युग की ही बात माननी पड़ती है, और वो सब अनुराग के शव को ताबूत के अंदर रख देते हैं। अनुराग का शव ताबूत के अंदर रखा हुआ था और बाकी सब उसके आसपास खड़े हुए थे। युग ताबूत के पास ही बैठा हुआ था। यामिनी युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए युग बाबू, बहुत देर हो गई है, और वैसे भी आपने अनुराग अंकल का शव ताबूत में तो रख ही दिया है ना? युग अनुराग के शव को देखते हुए ही कहता है, पर यामिनी, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पापा के शव के साथ थोड़ी देर और रह लूं। उनके शव के पास बैठकर ऐसा लगता है कि पापा अभी भी यहीं पर हैं। युग ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, हम यहाँ से जा ही क्यों रहे हैं यामिनी, हम यहीं पर रुक जाते हैं ना? यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। युग पलट कर कहता है, नहीं रुक सकते, पर क्यों यामिनी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।